जी प्रणाम सर जी। आपका आपका परिचय? हम सुभाष प्रसाद बिहार से हैं, नालंदा जिला से हैं। बिहार? हाँ, सुभाष प्रसाद बिहार से। तो हम गए थे सर, वो बिहार में कहाँ पे है? बिहार में सर नालंदा जिला है, पटना के पास। अच्छा, नालंदा जिला है। हाँ हाँ, नालंदा जिला जो एक बहुत बड़ा महान विश्वविद्यालय था मैंने में, तो वो एक्चुअली क्या है ना कि उनके पास वो जो शक्ति जो है ना जादूगर वाली है, कोई भी किसी को खाली बता देंगे। हाँ, बता देते क्या है उनके पास, जो पंडोखर सरकार का। अच्छा, आप वहाँ गए हैं? हाँ गए सर, हमने दो तीन बार गए हुए हैं। अच्छा, उनके पास वो शक्ति जरूर है। आप? हम सर अभी जून में गए थे, और उसके पहले मतलब कि मेरे पास उसका फाइल है सर एक। अच्छा, तो वो है। हाँ, तो 1100 रुपये हमने जमा किए थे, हमको एक डेट दे दिए थे कि आप इस डेट को आइएगा, उसके बाद आइएगा। तो उसके बाद ही गए, हमारा नंबर आ गया, इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन वो इंटरव्यू तो कर दिया, लेकिन जो बताए ना कि सबको लिख देते हैं 3 हवन, 11 या 33 हजार रुपया। अच्छा, इंटरव्यू में आपकी जो समस्या थी उसको उन्होंने बताया? समस्या बताते हैं लेकिन शॉर्ट में बता दिए, पूरा बताया भी नहीं हमको, शॉर्ट में समय भी नहीं दिए। उनके पास समय था ही नहीं, रात को 10:30 बजे बोला कल से मैं छुट्टी जाऊंगा, तो 2-3 मिनट समय दिए केवल। तो वो चलिए जो भी बताए वो तो ठीक बताए, लेकिन इनको जो समाधान लिखे ना उसमें, वो सबको लिख देते हैं वही कि 3 हवन और ये रामायण 3300 जमा करिए और 3 गो नारियल, ये सभी को लिख देते हैं। और वहाँ पर हवन का कुंड है, सब कुछ है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता है कि उसको इतना पैसा रहे ही। लेकिन उसके बाद हवन के बाद भी लोगों को लाभ नहीं हुआ है। तो ये नेचुरली है कि जो आपके पास शिकायतें आ रही है ने, और वो हकीकत है कि वहाँ पर जो भी वो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब पक्का मानते गलत हो रहा है? हाँ, ये तो 100% मानते हैं उनको गलत हो रहा है, वो तो हम समझ गए सर उसमें। तो ये जो हमको लिखे हैं ना नुस्खा जो लिखे हैं वो गलत नुस्खा लिख दिया। अरे उतना तो पूजा हनुमान जी के तरह लिखते, तुम रोज जाना हनुमान जी के मंदिर में, तो मैं खुद चल जाता उसमें। हमारे यहाँ तो पटना में, और सर जो हनुमान जी का मंदिर है सिद्ध है एकदम, अगर कोई भी मनोकामना लेके जाइएगा और बाकी में अगर हनुमान चालीसा रोज पाठ करिएगा तो जरूर लाभ होगा। उनसे तो वो ये 3-3 हवन लिख देते हैं, तो मेरे को नहीं जचा सर। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, सीआरपीएफ से रिटायर है सर, 38 बरस बहुत दूर दूर तक हम नौकरी की है, लेकिन वो गलत है, सही नहीं है। तो उस स्थिति में अगर आप मानते हैं गलत है, हाँ तो फिर तो समाज को बताना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। तो देखिए समाज के अंदर में कोई भी गड़बड़, चाहे आसाराम बापू हो चाहे कोई भी हो, आज ने एक दिन फूट जाएगा है। और यूट्यूब में जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना वो सब देख रहा है, ये नहीं तो कि फिर आपके साथ जो गलत हुआ तो समाज तक पहुंचाना चाहिए, जिससे लोगों को भी जो मतलब कहने मतलब कि जो आप रात में भी इंटरव्यू हम देख रहे थे, रात को 2 बजे मेरी नींद टूट गई, उसमें एक इलाहाबाद से इंटरव्यू दे रहे थे, एक प्रयागराज से कर रहे थे, वो सब देख रहा है यूट्यूब पर, तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत अच्छा आपने कदम उठाए हैं, तो फिर आपकी भी वीडियो बना के डाल दें? हाँ, 100% कर दीजिएगा। तो क्योंकि भाई जब सभी लोग ज्यादा सबको पहुंचाएंगे बात तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो है 100%। तो आपकी मतलब सहमति है वीडियो बनाने की ना? हाँ 100% सर, 100%। तो आपके जो भी रसीद हो और जो भी मतलब एक अपनी फोटो और रसीद इसी व्हाट्सएप में डाल दीजिए, तो मैं वीडियो बना के इसे भी डालता हूँ, जिससे जी जी लोगों तक पहुंचे, वही लूटने से बचे। जी सर, हम आपको व्हाट्सएप पर डालते, नंबर बताइएगा आप। यही नंबर, यही नंबर है जिसमें आप बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके जी। हाँ जी, जय माता, जय माता।